पूरा दबा के चल रहा है। ओ मार दिया, देख भी नहीं रहा, मोबाइल भी देख रहा है भाई। ये देख लो समंदर, दिल्ली का समंदर। ओ रे 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 रे, क्रेटा वाला मार देता अभी स्कूटी वाले को। रेन मोड है लेकिन फिर भी पावर बहुत अच्छी है इसकी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत दिनों के बाद निकल रहे हैं बाहर कैमरे के साथ, मतलब और दिन तो निकल ही रहे थे, कैमरे के साथ नहीं निकल रहे थे। अरे भाई समुंदर बना पड़ा है, पहले यहाँ से निकलो। इसे लगानी कहाँ है, इसे यहाँ लगानी होगी। पूरा दबा के चल रहा है। ओ मार दिया, देख भी नहीं रहा, मोबाइल भी देख रहा है। पानी में से निकलो भाई, दिल्ली की बारिश यही होता है, बड़े बड़े रास्ते छोटे से हो जाते हैं दिल्ली की बारिश के अंदर। थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, कहीं किसी के ठोक ना दें। मुझे लग रहा है भाई बाइक मांग रही है चैन ल्यूब, अब इस सैटरडे संडे चैन ल्यूब करनी ही पड़ेगी। सैटरडे तो नहीं, संडे को तो करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं कह रहा था भाई, इतने टाइम के बाद हम निकल रहे हैं रोड पे, बीच में कुछ परेशानी हो गई थी इसी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, मतलब व्लॉग हम डेली बना नहीं पाए। लेकिन अब सोच रहे हैं डेली बनाने का, रास्ता तो एक ही है हमारा जाने का, यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो बस ट्राई करेंगे कुछ नया नया कुछ लाने का, लेकिन मोस्टली डेज ऐसे ही रहेगा। भाई ये देख लो समंदर, दिल्ली का समंदर। ओ रे 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 रे, क्या करा जाए, रेन मोड में लगा दूं बाइक को। आखिर फीचर तो दे ही रखा है तो लगा के देखी। अरे ये हो गया ना, ले पावर आधी हो जाती है एकदम से ही रेन मोड पे लगाते ही। यहाँ पे भी समंदर ही बना होगा भाई, धीरे धीरे निकल जाओ इसमें से। इसको ऑन कर दो यार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बेड़ा गर्क हो गया, इतना ट्रैफिक। चलो ट्रैफिक से निकलते हैं फिर बात करते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे बन रहा मेट्रो का काम, देख रहे हो मेट्रो के बहुत सारे इक्विपमेंट यहीं पर रखे हुए हैं, मतलब बनाने वाले। बाकी अपना राइट हैंड साइड पे देख ही सकते हो, पिलर्स खड़े कर दिए इन लोगों ने। जब ये रूट बन जाएगा तो यहाँ आई थिंक जैसा इन लोगों ने सोचा हुआ है कि ट्रैफिक कम हो जाएगी, मेरे हिसाब से तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो साकेत का मेट्रो इतना दूर है खानपुर के मेट्रो से, ठीक है, तो साकेत कभी कभार बारिश में ऐसा सिचुएशन हो जाती कि भाई साकेत से यहाँ नहीं आया जाता खानपुर में। आएंगे भी तो भाई ऑटो वाले और ये सब भाई दुगने कितने दुगने तिगने चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन अगर खानपुर में मेट्रो बन गई तो बंदा सीधा खानपुर से ही चढ़ेगा, खानपुर से ही उतरेगा, मतलब आगे जितने भी स्टेशन हैं खानपुर संगम विहार वगैरह जितने भी हैं, ये इनके लिए बहुत बेनिफिट है जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। डायरेक्ट अपने घर से निकलेंगे और अपने घर पे ही उतरेंगे। होम सर्विस, बाकी ये दुगने चार्जेस से बचेंगे जो दुगने चार्जेस ले लेते हैं ये लोग। लेकिन बस कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि साकेत को बाईपास कर जाए।
मतलब कोई एक ऐसी मेट्रो बननी चाहिए जो वही बाईपास करके एक सिंगल लेन पे चलती रहे, बार बार चेंज करनी पड़ती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। आखिर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा चालान काट रहे हैं सुबह सुबह, हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ी, सिर्फ पुलिस वाले भाई। लेफ्ट हैंड साइड में चलना ना बड़ा ही दुश्वार है भाई, बेकार है। एक तो ये लर्निंग वाले भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलाते हैं, तो ये बंदा देखो लेफ्ट का इंडिकेटर देखे पता नहीं कहाँ जाना चाहता है। सबने लेफ्ट के इंडिकेटर दे रखे। अच्छा लेफ्ट मुड़े होंगे ना वहाँ से जहाँ से हम मुड़े थे, मुझे लग रहा है इंडिकेटर ऑन करके फिर भूल गए। छींटे उड़ने स्टार्ट हो जाते तो ऑफिस जाने का फिर फ़ायदा ही क्या, कपड़े ख़राब हो गए तो। छींटे उड़ने से तो फिर कपड़े ही ख़राब होंगे और क्या होगा। ये आई होप गाइस वीडियो एंजॉय कर रहे होगे आप। अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ गाइस वीडियोस कैसी लग रही है मेरी। एक बंदे ने कमेंट करा था भाई, वो जो नेविगेशन वाला सिस्टम है थोड़ा इंग्लिश में डिस्क्राइब करके बताओ। चैनल अगर हमारा है, इंडियन है तो भाई इंग्लिश में क्यों डिस्क्राइब करेंगे। बाकी हम ट्राई करेंगे किसी दिन वीडियो बना के बना दें नेविगेशन सिस्टम का डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश, लेकिन वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। वो GPS लाइव ट्रैकिंग तो कुछ है नहीं उसके अंदर। अरे रे रे ये क्या कर दिया था अभी, बच गया भाई साहब। ये एक तो ऑफिस की ड्रेस पहन रखी है, ऑफिस पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता अभी, बच गया। गड्ढे ही गड्ढे भाई साहब, इतने गड्ढे। अरे अरे क्या कर रहा है भाई ये, समटाइम्स ऐसे निकलना पड़ता है यार। ये क्या हो रहा है, जगह जगह से बारिश गिर रही है, बारिश का पानी गिर रहा है। बारिश के बाद भाई मौसम बढ़िया हो जाता है, रास्ते बढ़िया हो जाते हैं यार। क्रेटा वाला मार देता अभी स्कूटी वाले को। ब्रेक तो लग, ओ क्रेटा वाला देख रहे हो कट देखो उसका, ओ हो हो, कहीं तो जल्दी जाना है। सो बस मेरे सामने मत कर दियो कट वट, मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो जाऊंगा। आई थिंक एनीथिंग हैपेंस इन द रोड तभी हुआ, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। लफड़ाबाजी हुई है, लफड़ाबाजी तभी तो। इसी वजह से तो जाम लगा हुआ है, थोड़ा सा हमें भी निकलने दो। अरे फिर पानी गिर गया, पता नहीं कहाँ से गिरा,
कैमरे में तो नहीं गिरा ना, नहीं कैमरे में नहीं गिरा है। ऊपर से पानी गिरता है, रेन मोड है, लेकिन फिर भी पावर बहुत अच्छी है इसकी। वो देखो भाई, उसकी पावर तो अलग ही पावर है उसकी, इलेक्ट्रिक वाली की। थोड़ा बच के बीच में ही आ गई गाय। ये वाला तो भाई आउट ऑफ परफॉर्म कर रहा है भाई साहब, ओवर परफॉर्म। ये देखो भाई, वैगनर वाला कुछ ज्यादा ही कर रहा है। ओ भाई GT650, ये है ना बाइक। GT वाला तो अभी भेड़ दिया था अभी स्प्लेंडर पे। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऑफिस। देखो भाई GT कैसी लग रही, मस्त परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन वॉबलिंग करती है भाई भाई। कास्ट टायर बड़े देती कंपनी, बस एक बार मुझे भी चलाने को मिल जाए बस, ये मज़ा ही आ जाएगा। मैंने चलाई नहीं है ये GT चलानी है एक बार तो चले, कितना कंफर्ट है, कितना वो, कितनी वर्दी है लेनी बाइक। सेकेंड ईयर में तो भाई मज़ा ही आ जाता है भाई बाइक चलाना में, जो परफॉर्मेंस मिलती है ना सेकेंड थर्ड ईयर में। वैसे भी मोस्टली सेकेंड एंड थर्ड ईयर पे ही चलती है सिटीज़ के अंदर। बस इस चीज़ का दुख हो रहा है, ये लीन करनी नहीं आती बाइक। काश लीन करनी आती, लीन करते हुए निकलते बड़े प्यार से। गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये भी गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा। लेते हैं हम अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए। भाई कैसे आज की थर्ड डर लग रहा है। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, सी यू, टाटा गुड बाय।